वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूँ वीरू जी, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है एक रूम के अंदर सेटिंग किस तरह से करनी है, यानी कि अगर आप बेडरूम क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो है बेडरूम की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आते हैं सर्च लाइब्रेरी में, और सर्च लाइब्रेरी में आने के बाद हम जो है यहाँ पर आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, सर्च के बॉक्स में बेड लिखा, एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद कुछ देर हम वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, जैसे कि अगर कोई मटेरियल अंदर से आपने जो है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें सर्च करनी है, तो आप उसमें लिख के सर्च लाइब्रेरी के ज़रिए जो है आप उसे सर्च करते हैं। कुछ देर हम वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कैजुअल बेड चाहिए, या ये जो है, अब ये सारे हमारे पास जो है बेडरूम्स की डिज़ाइंस या बाकी चीज़ें जो इसकी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे कि ये अदर बेड साइज़ हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब जो भी बेड आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम एक सिंपल यहाँ पे ये लेते हैं और इसे क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद जैसे हम यहाँ क्लिक किया तो ये बेड यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आप दोबारा यहाँ क्लिक करें और इसको जो है आप यहाँ पे रिसाइज या मूवेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं कैमरे में। कैमरे में आने के बाद फ्लोर पे आते हैं, और यहाँ पे जो है हम इस बेड को चेक करते हैं। तो ये जो बेड है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो है मटीरियल अप्लाई करना है, जैसे कि हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब जैसे सबसे पहले हम बेड को जो है डिज़ाइन देते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं और हमारे पास जो कलर्स हैं यानी कि वुड के हैं, जैसे क्लिक किया हम यहाँ पे कलर देते हैं इनको। और सेम एक कलर देने के बाद जो है आपने क्या करना है कि मज़ीद अगर बाकी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे कलर्स पे आते हैं और इनमें से कोई भी आप कलर दें, क्लिक करें तो ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह जो है अगर आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को कलर चेंज करना चाहते हैं, मटीरियल पर आते हैं, देन आप यहाँ पर जो है बाकी कलर सेलेक्ट करें और क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है बाकी के कलर भी अप्लाई होते जाएंगे। और इस तरह जो है मज़ीद सभी को जो है आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये था हमारे पास, या इसमें ये दे देते हैं। और उसके बाद जो है मज़ीद अगर हम वॉल्स को देना चाहते हैं, जैसे कि रूम के अंदर हमने वॉल को सेट करना है, तो हम यहाँ पर कोई भी फ्लोरिंग पर आते हैं। जैसे कि अब फर्श को हमने यहाँ पर कोई भी देना है, या अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कालीन टाइप आ जाए, जैसे कि ये हमारे पास कालीन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कोई भी हम एक सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जो है जस्ट हमने यहाँ पे ओके करना है, देन बॉटम में क्लिक कर देना है फर्श के ऊपर, तो वही कालीन जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिंपल कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके दोबारा से कोई भी सिंपल डिज़ाइन का कालीन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये जो थे क्लिक करेंगे तो वही कालीन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वॉल्स में कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं वॉल्स के वाले से पैटर्न है या बाकी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं, तो हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमें एक सिंगल क्लिक करना होता है। पहले हम यहाँ पर डिज़ाइंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं ये, और इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो है आपके पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। मज़ीद अगर आप रूफ़ को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पे सेलिंग है कि अगर आप सीलिंग लगाना चाहते हैं आप क्लिक करें तो यहाँ पे सीलिंग आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट डिज़ाइंस देखते हैं या कलर्स कोई भी देखते हैं, तो वो हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस के साइन पर आते हैं, दो कलर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है रूफ़ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और मज़ीद जो है अगर आप इसके अंदर लाइटिंग देना चाहते हैं, जैसे हम सर्च लाइब्रेरी में आते हैं और हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि लाइट था, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये सारी लाइट्स आ रही हैं, इनकी फैंस आ चुके हैं। और मज़ीद अगर आप जो है, जैसे कि पहले हम यहाँ पे देते हैं फैंस, अब हमारे पास यहाँ फैंस पड़े हुए हैं, क्लासिकल है या दूसरे फैंस है, सेलेक्ट करें, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ये फ़ैन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो है मज़ीद अगर आपको लाइट्स वगैरह देना चाहते हैं, जैसे कि स्मॉल लाइट्स हमारे पास रूफ़ के लिए, क्लिक करते हैं, देन आप क्लिक करें तो ये लाइट्स आ जाती हैं। मज़ीद अगर कोई वॉल के अंदर लगाना चाहते हैं, आपने क्लिक किया तो ये आ जाती हैं।
या इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें भी होती है वॉल्स के वाले से, जैसे यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं और लाइट्स के वाले से, ये सारी लाइट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और लाइट्स सेलेक्ट करें देन, और यहाँ पे शू पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ जो है मज़ीद अगर हम वॉल्स के वाले से या सीलिंग के वाले से भी देखना चाहते हैं, जैसे कि आप क्लिक करते हैं सीलिंग में ऐड कर सकते हैं। अब बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे टेलीविजन जैक्स या बाकी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। और इसी के अंदर अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या हमने सोफ़ा लगाना है, तो हम यहाँ पे दोबारा आते हैं देन सोफ़ा लिखते हैं एंटर करते हैं, तो यहाँ पर जो है सारे सोफ़े के हवाले से जो है हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि ये आ रहे हैं ये, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे मटीरियल्स आपको वैसे मिल जाता है, तो जो भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे हम टॉप व्यू में जाते हैं और यहाँ पर जो हम अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, जैसे ये था हमारे पास, क्लिक किया यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मज़ीद अगर आप कोई और चीज़ें इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक छोटा टेबल चाहिए, तो आप टेबल यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल लिख दिया एंटर किया, और उसके बाद जो है जैसे ये टेबल्स आ रहे हैं, यानी कि बेड के साथ टेबल्स हैं, या सेपरेट जो है वो हमारे पास यहाँ बेडल टेबल आ जाते हैं, डाइनिंग के हवाले से या बाकी जितने भी हैं चीज़ें वो हमें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो इवन कि जो भी आपको चाहिए होगा वो आपने यहाँ पे सर्च करना होता है, और सर्च करके आपने उसमें अप्लाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पे जो है हमारे पास ये कुछ लैम्प टाइप है या डेस्क टाइप चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। और उसके बाद जो है अगर हम इसको रोटेट करना चाहें, या जैसे ये जो था अब फ़िलहाल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद कैमरा पे आते हैं, फ्लोर पे आते हैं, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे ये आ चुका है। अब सोफ़े को जो है आपने कलर देना है डिफरेंट, आप दोबारा यहाँ पे आ जाएँ कलर्स पे आ जाएँ, यानी कि आप अच्छे से उसमें कोई भी कलर अप्लाई कर दें। तो जब भी आप अप्लाई करें तो पहले सबसे पहले जो है आपने इन कलर्स को चेक करना है यहाँ पर, और कलर्स को चेक करने के बाद जो है आप वहाँ पर उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी हम कलर देते हैं और सिंपल सा कोई कलर लेते हैं, और कलर लेने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कुछ इस पर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद जो है अब ये अप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि इसमें जाते हैं, अब इसके अंदर हमने कोई अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे बेड लिखते हैं दोबारा से। और बेड के अंदर बाज़ का ये होता है कि बहुत अच्छे बेड भी मिल जाते हैं इसके अंदर, बल्कि होते हैं, यानी कि सारी सेटिंग पूरे रूम के हिसाब से सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसमें जो है हम सर्च करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक तो होता है किंग बेड, किंग बेड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दे जाते हैं, और इनमें हम चेक करते हैं दोबारा से। जैसे ये है ग्रैंड मास्टर बेडरूम, तो ये ग्रैंड मास्टर बेडरूम के अंदर जो होता है आपकी सारी सेटिंग इन्होंने ऑलरेडी दी होती है, आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके जस्ट उसके अंदर क्लिक करना है। अब बेसिकली जो है पैमाइश थोड़ी कम है यहाँ पे रूम के हवाले से, तो हम इसकी थोड़ी सी पैमाइश बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था, और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, मसीह जो है अभी पैमाइश हमारी कुछ कम आ रही है, यानी कि एरिया बहुत कम है। तो पहले हम इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद अगर हम चाहें तो उसे हम ब्रोकन भी कर सकते हैं। मज़ीद ये जो है इसी तरह अगर हम इसके यहाँ पे लेके आते हैं, या जो है हम वॉल्स को डिलीट करते हैं और इसके अंदर यहाँ अप्लाई करते हैं, आ कुड नॉट पोजीशन आर्किटेक्चर ब्लॉक हेयर एरिया इज़ काफ़ी जो कम है हमारे पास यहाँ पे, ये आ चुका है। अब इसी के साथ जो है हम इसको मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे लेके आ गए। अब बाकी जो है आप यहाँ पे जो है आपने उसकी सेटिंग दोबारा से यानी कि यहाँ पर कर देनी है, जैसे यहाँ पे ये था, या अगर हम यहाँ पे आए थे ये होगा, इसको अगर आप खींच लें यहाँ से मज़ीद इसको यहाँ पे आगे ले, और इसके बाद दोबारा अगर वॉल यहाँ पे ट्रैक करें तो आप वॉल यहाँ पे लगा दें, देन इसके अंदर जो है आपने यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद जब आप इसमें यहाँ फ्लोर लगाते हैं, फ्लोर कैमरे में जाके देखेंगे तो ये जो पूरी सेटिंग होती है वो आपको सेटिंग यहाँ पर इसकी मिल जाएगी। और इसके अंदर आपने ये करना होता है कि हम जो है सिर्फ मटेरियल अप्लाई करते हैं, दोबारा यहाँ पे आ गए मटेरियल पेंटर पे आ गए। मटेरियल पेंटर में आने के बाद आपने जो है वॉल्स कन्वर्सेशन में जाना होता है,
यानी कि वॉल्स या बाकी चीज़ें अगर आप उसमें चाहें अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्स को, फिलहाल जो है हमारी वॉल्स यहाँ पे ऊपर जा चुकी हैं वॉल कन्वर्सेशंस में, जैसे कि ये था। कोई टेक्सचर या बाकी चीज़ें अगर आप लगाना चाहें उसी के अंदर, आपने जस्ट क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे वॉल्स को हमने ये दे दिया। और इसके बाद अब यहाँ पे हम वुड लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम बैक में आते हैं और वुड के कन्वर्सेशंस में जाते हैं, जैसे कि ये है वुड से हमारे पास आ रही, जब सेलेक्ट किया और जस्ट आपने क्लिक कर देना है इनके ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी जो है सारी सेटिंग उसकी वजह से शो होती जाएगी। इसी तरह जो है मज़ीद अगर हम सेलिंग लगाते हैं, जैसे ये मेटल्स हैं या बाकी जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, अगर आप कोई भी ये बसाया जो है टॉप से होता है, यहाँ पे हम कोई भी दे देते हैं, जैसे कि हम सेलेक्ट किया क्लिक कर दें टॉप के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे जो है ये अप्लाई हो जाएगा डिज़ाइन। इसी तरह अगर आप बाकी जो है देना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम वॉल्स के ऊपर कोई लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से वॉल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है अगर आप बॉटम में कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं फ्लोरिंग के लिए और कॉलिन वगैरह चेक करते हैं यहाँ पे, या मज़ीद अगर कुछ और आपके माइंड में आ रहा है जो अच्छा आपके पास हो तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपने यानी कि उनकी सेटिंग करनी होती है। तो जब भी आप बेडरूम को डिज़ाइन करें तो आपने इस हवाले से कोई भी अच्छी सी सेटिंग उसकी करनी होती है। तो इस वीडियो में जो है हमने पढ़ाया कि आपने एक बेडरूम की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर